अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोरोना से बचाव के लिए चलाए गए वैक्सीनेशन महाअभियान में बालाघाट जिले के लोगों में उत्साह देखने में आया। 21 जून को बालाघाट जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु के 25,000 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पूरा कर लिया गया। इस टीकाकरण अभियान के लिए जिले में 172 टीकाकरण केंद्र बनाए गए। प्रत्येक केंद्र पर समाज के गणमान्य नागरिकों ने प्रेरक की भूमिका निभाई। इस अभियान को सफल बनाने तथा टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने सामाजिक धार्मिक स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों का मुख्य रूप से प्रशासन द्वारा सहयोग लिया गया था। आज ग्राम पंचायती रामपुर में टारगेट है 118 वर्ष के ऊपर और 45 वर्ष के ऊपर 150 टीकाकरण का, और संभवतः शाम तक पूरे डोज कंप्लीट हो जाएंगे। आज वैक्सीनेशन के शुभारंभ के लिए सभी लोग आए थे, आमंत्रित किया, और सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाएं, सभी मास्क लगा के बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अधिक से अधिक लोगों को समझाई दें। नए लड़के हैं या बुजुर्गों, कोई परेशानी नहीं है, सब लोग अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाएं और अपने आस पड़ोस परिवार सबको प्रेरित करें कि वैक्सीन लगवाएं। कि कई लोग ऐसे आपत्ति लगा रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से ऐसा कुछ होता है, भी देखा गया है यहाँ पे, तो क्या क्या कुछ समझाइश दी जा रही है सबको? ये समझाइश दे रहे हैं, इससे कोई परेशानी कुछ नहीं होती, जो भी है सब भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में कि कुछ उससे परेशानी होती, बट सब लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, सब स्वस्थ हैं, किसी कोई परेशानी नहीं होती। इस टीकाकरण महाअभियान के तहत स्थानीय कमला नेहरू हॉल में श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा जिला अध्यक्ष इंद्रजीत भोज के नेतृत्व में तथा उद्योग नगरी गर्रा में ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा जिला अध्यक्ष राजेश पाठक के मार्गदर्शन में टीकाकरण शिविर लगाया गया। सभी लोगों को विदित है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। आज हमारी साधना दीदी जी का जन्म दिवस भी है और आज ही के दिन ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पूरे मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। खास करके हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने आज 10 लाख कम से कम 10 लाख वैक्सीनेशन का टारगेट बनाया हुआ है। आज इस गर्रा में यहाँ पर हम लोगों ने अपने ब्राह्मण समाज महिला मंडल, जिनकी बहुत ही कर्मठ और तेजतर्रार अध्यक्ष हमारी संध्या दीक्षित जी हैं, इनकी देखरेख में कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। आज ये महिला मंडल द्वारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया गया है और इसमें कम से कम 500 लोगों को वैक्सीनेशन देने का प्रोग्राम है। सुबह से लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो से जो हमारा एक दिवसीय टीकाकरण का शिविर था, इसको बढ़ा के लगातार 3 दिवसीय कर रहे हैं और 3 दिनों तक लगातार यहाँ पर हम लोग टीकाकरण करवाएंगे। जैसे कि सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते बालाघाट जिले में काफ़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे, कई लोगों की जाने भी गई थी, और अभी तीसरी लहर के आने के भी तीव्र संकेत मिल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक व्यक्ति, अधिक से अधिक युवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सब लोग टीकाकरण करवा लें। इस हेतु ये हमारा टीकाकरण अभियान 3 दिन तक चलेगा और आज ही शाम के 5 बजे तक चलेगा। निसंदेह हम जो हमें टारगेट दिया गया 500 की संख्या का, वो आज पूरा हो जाएगा और अगले 2 दिन तक वहीं मायल नगरी भरवेली बहरापुर व जिले भर में टीकाकरण केंद्र बनाए गए, जहां समुचित व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में 18 प्लस तथा 45 प्लस के लोगों ने कोविड वैक्सीन लगाई एवं 100% टीकाकरण की शपथ भी ली। आज योग दिवस के उपलक्ष्य में महावैक्सीन दिवस मनाया जा रहा है बरवेली सामुदायिक भवन में। योग दिवस में आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है और काफ़ी मुझे देखने मिल रहा है कि यहाँ पर भरवेली सामुदायिक हीरापुर भवन में 350 डोज मिले हैं। मुझे लगता है कि 350 डोज पूरे लगभग लग जाएंगे और मुझे लगता है कम भी पड़ सकते हैं। अगर कम पड़ेंगे तो बिंदे भैया है, हमें फ़ोन करना भैया, हम डोज अवेलेबल कराएंगे। और आज हमारे भरवेली मंडल में 3 जगह वैक्सीनेशन का केंद्र बनाया गया है, भरवेली सामुदायिक केंद्र और हीरापुर एक और भटेड़ा। लोगों ने अच्छा हर्ष उल्लास के साथ में आ रहे हैं और वैक्सीनेशन करा रहे हैं, और जीवन बचाना है तो वैक्सीनेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, सभी माताएं बहनों से कहना चाहता हूं कि वैक्सीन लगाएं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें।
इस बीच टीकाकरण केंद्र पर स्थिति का जायजा लेने कलेक्टर दीपक आर्य के अलावा आईजी बालाघाट रेंज वेंकटेश राव, डीआईजी अनुराग शर्मा एवं बालाघाट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनोज पांडे भी पहुंचे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।